लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। हाल ही में आए पटवारी परीक्षा परिणाम के कई अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है, मगर इनमें एक ऐसा अभ्यर्थी भी है जिसने अपने हाथों से नहीं बल्कि पैरों से परीक्षा दी और सफलता भी पाई है। यह अभ्यर्थी है देवास जिले के पीपलरावा का निवासी अमीन मंसूरी, जो दोनों हाथों से दिव्यांग है। अमीन को मिली सफलता के बाद मंसूरी समाज में हर्ष का माहौल है। आज ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी जाहिद मंसूरी के नेतृत्व में मंसूरी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में पीपलरावा पहुंचकर हौसला अफजाई करते हुए उनका सम्मान कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अमीन मंसूरी समाज के साथ उनके परिवार के सभी सदस्यों और उनके माध्यमिक शिक्षक धर्मेंद्र मेहता का भी आभार व्यक्त करते हुए सम्मान किया है। हम आपको बता दें कि अमीन के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई को लेकर कभी हार नहीं मानी और हौसला रखते हुए आगे बढ़ता गया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। हम लोग भोपाल से चलकर मंसूरी समाज के नेतृत्व में जाहिद मंसूरी जी हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में पीपलरावा गांव आए थे, क्षेत्र आए थे, जहां पर हमारी समाज मंसूरी समाज का एक लड़का जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो पटवारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, और हम लोग उसका सम्मान करने के लिए आए थे। सारे आसपास के क्षेत्र के लोग आए थे, इंदौर के लोग आए थे, उज्जैन के लोग आए थे, देवास के लोग आए थे। हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं वो और तरक्की करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।